नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पैसे को डबल करने की लालच देकर ठगी करने वाले आरोपियों को थाना सचिवा पुलिस द्वारा 12 घंटे में पकड़ा। प्रार्थी को नकली काला कागज का बंडल थमा कर करते थे ठगी। गिफ्ट बॉक्स में पैसे की जगह कागज रख कर दिया घटना को अंजाम। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम बिलासपुर का डायस कुमार महिलांगे, जो इलेक्ट्रिशियन का काम करता है, बीए तक पढ़ा है, जिसे दिनांक 11/3/2023 एवं 15/3/2023 को एक स्कीम से पैसे दुगुना करने का झांसा देकर 1,00,000 रुपए की जगह एक कागज का नोट के आकार का बंडल गिफ्ट पेपर में रखकर बॉक्स में भरकर प्रार्थी को देखकर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी सुरेश लाहरे अभिषेक कुर्रे से 16,00,000 का नकली कागज का बंडल व घटना में उपयोग में लाए गए 4 नग मोबाइल, एक रियलमी 5i, 2 वीवो Y15, 3 नोकिया की पैड, 4 ओप्पो A78 व कार सेंट्रो क्रमांक CG07-1934 जब्त किया गया है। जब्त कार एवं मोबाइल का अनुमानित कीमत 2,41,000 रुपए है, जिसको कार्यवाही कर रिमांड में जेल भेज दिया गया है। सर, आज ठगी के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। सर, क्या है पूरा मामला? सर, सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के थाना सरसीवा हमें जो बिलासपुर टाटा बिलासपुर ग्राम है, वहाँ के डायस कुमार महिलाने ने एक रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उन्होंने सुरेश लहरे और उसके करने साथी को 1,00,000 रुपये दिए थे और वापस करते समय उसने सर्वप्रथम जो 25,000 दिए थे उसे गिफ्ट के पैक पे पैक करके दिया था और वो कागज का बंडल था। इसी तारतम्य में जब वो दूसरे पैसे लेने के लिए जब वो बुलाया और उसे भी 1,00,000 रुपये के जो बंडल के तौर पर काले कागज के नोट थमाए गए थे, इस प्रकार से उसके साथ ठगी की गई थी और इसकी रिपोर्ट पर थाना सरसीवा में 420-34 सुरेश कुमार लहरे और उसका एक अन्य साथी अभिषेक कुर्रे, जो कि माल खरौदा थाना शक्ति का रहने वाला है, और उसके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध करके विधिवत विवेचना की गई है। मामले में और भी जहां जहां इन लोगों ने ठगी का काम किया है उसके संबंध में तस्दीक की गई और संबंधित थाने में अभी सूची भेजी गई है और कोई अपराध में संलिप्त हो तो इसकी जानकारी हमें प्राप्त करनी है और माननीय न्यायालय में हमने पेश कर दिया इसे।